सरकारी तंत्र हुआ फेल। गणपति विसर्जन के दिन शहर के वार्ड नंबर 30 की पार्षद रेणुबाला की मां सुमन देवी एक हादसे में देहांत हो गया। हम आपको बता दें कि सरकारी तंत्र इस मामले में बिल्कुल फेल नज़र आ रहा है। हम आपको बता दें कि रंगड़ी रोड पर एक पेट्रोल पंप के नज़दीक सड़क में गड्ढों के कारण स्कूटी फिसल गई, जिससे सुमन देवी गंभीर रूप से घायल हो गई और अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ दिया और उनकी मौत हो गई। और इस हादसे का जिम्मेवार सरकार और सड़क के ठेकेदार को माना जा रहा है, जिन्होंने इतनी घटिया स्तर की सड़क बनाई और प्रशासन ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और जैसे ही यह घटना घटी, उसके बाद प्रशासन और ठेकेदार ने आनन फानन में ईंट से सड़क भरकर खाना पूर्ति करने की कोशिश की। इस तरीके से सरकारी तंत्र एक बार फिर से फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। किस तरीके से हम रोज़ अपने अपनों की जान देते रहेंगे। ये सर जी अपने गणपति विसर्जन के लिए वहाँ पे जा रहे थे बकरियाँ वाली, वहाँ पे गए हैं। आते समय जब स्कूटी पे आ रहे थे तो सड़क के बीच किनारे बहुत बड़े बड़े खड्डे थे, जिस वजह से स्कूटी उसके खड्डे के अंदर लग के पीछे से वो उन्होंने गिरना हुआ। उनका गिरते सार ही उनके सिर पे चोट लगी है, जिस कारण कि उनके मौके पे ही रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। जी किसको जिम्मेदार मानते हैं? ऐसे जिम्मेवार हम तो प्रशासन को मांगते हैं जी, जबकि ऐसे ठेकेदार जिन्होंने पूरी रोड सही पड़ी है और सड़क के बीचों बीच इतने बड़े बड़े खड्डे, और हम घंटे बाद गए तो उसमें लिपा पोती की हुई थी, ईंटें डाली हुई थी, तो ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो आज पार्षद की मदर के साथ ऐसी घटना हुई है तो भविष्य में ऐसी घटना किसी के साथ भी ना हो। क्योंकि ठेकेदार पेमेंटें ले जाता है, एक महीने दो महीने बाद ही उसमें खड्डे डलने शुरू हो जाते हैं। तो मैं प्रशासन से यही मांग करूँगा कि ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।